ग्राम दाबर भाट में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीमद भागवत कथा के सरस वक्ता पंडित श्री महेश कुमार पांडे बिलहारी वालू ने श्रीमद भागवत कथा श्रवण करते हुए कहा कि जब जब दैत्यों का अत्याचार बड़ा है तब तब भगवान ने अवतार लेकर दैत्यों का संहार किया है। सैन परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद भागवत कथा में श्री पांडे ने भगवान कृष्ण के साथ साथ श्री राम जन्म जयंती की मंगलमयी कथा भी सुनाई। व्यास जी ने कहा कि भगवान के दोनों अवतार प्रमुख हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम राम जी के चरित्र को जीवन में उतार कर उनके चरित्र पर चलना चाहिए, जबकि कृष्ण के चरित्र का चिंतन करना चाहिए। जब जब रावण और कंस का अत्याचार बढ़ा है तब भगवान राम और कृष्ण का रूप लेकर भगवान ने उनका संहार किया है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र राम और कृष्ण जैसा हो। आपका पुत्र राम और कृष्ण जैसा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको भी दशरथ कौशल्या और वासुदेव देवकी बनना पड़ेगा। भगवान राम और श्री कृष्ण के जन्म पर समस्त श्रद्धालु नाचे। साथ ही साथ कथा के अंत में यजमान मिजाजी लालसेन और बिहारी लालसेन ने बाल कृष्ण भगवान की आरती उतार कर सभी का धन्यवाद दिया।